लोका आयुक्त इंदौर ने की ट्रैप की कार्रवाई। डॉक्टर सुरेश काक पिता बाबूलाल काक उम्र 44 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 अंजड़ जिला बड़वानी ने शिकायत की थी, जिस पर डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय अंजड़ जिला बड़वानी एवं दिनेश बड़ोले सहायक ग्रेड 2 शासकीय महाविद्यालय अंजड़ जिला बड़वानी के विरुद्ध हुई है कार्रवाई। आवेदक के अनुसार शासकीय महाविद्यालय परिसर में लगभग 27,000 रुपये के पौधे लगाए थे, जिसकी स्वीकृति प्राचार्य डॉक्टर सुनील मौर्य द्वारा की जानी थी। बिल स्वीकृति करने के एवज में उनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक डॉक्टर सुरेश काक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को की गई थी। रिकॉर्डिंग की रिश्वत लेन देन की भी मांग पाई जाने से आज दिनांक 8/12/2021 को ट्रैप दल का गठन किया गया और प्राचार्य सुनील मौर्य तथा सहायक ग्रेड 2 दिनेश बड़ोले को प्राचार्य कक्ष में रंगे हाथों ट्रैप किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुनील मौर्य के कहने पर रिश्वत राशि सहायक ग्रेड 2 दिनेश बड़ोले द्वारा लेकर अपने पेन के जेब में रख ली गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7, 120B और IPS के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। महाविद्यालय अंजड़ में पदस्थ हैं डॉक्टर सुरेश काग, इनके द्वारा कल शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को कि यहाँ जो प्रिंसिपल पदस्थ हैं डॉक्टर सुनील मौर्य, वो उनको कोई उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया है जनभागीदारी से, तो उसमें लगभग 27,000 रुपये के आसपास के काम हुए, उसके 20% रुपये ये बिल में मांग रहे हैं उनसे, जिस पर कल हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई थी। और रिकॉर्डिंग में जो डॉक्टर सुरेश सुनील मौर्य हैं और इनका जो बाबू है दिनेश बड़ोले, ये उसमें दोनों की चर्चा रिश्वत मांगने के संबंध में थी, उस आधार पे जो है FIR की गई थी और ट्रैप दल का गठन किया गया। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ट्रैप दल का गठन कर लगभग 1 बजे के आसपास जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के सुनील मौर्य, उनको और उनके जो बड़े बाबू हैं दिनेश बड़ोले, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने की रिश्वत लेते पकड़ाए? ये 20% लगभग 5,000 रुपये राशि होती थी, तो वो 5,000 रुपये की रिश्वत जो है उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने कि बड़ोले को दे दें, तो जो आवेदक थे काग, उन्होंने उस रिश्वत की राशि को बड़ोले को दे दी, जिसे उन्होंने अपने पैंट के जेब में रख लिया था और 5,000 की रिश्वत राशि इस प्रकार लेते हुए इनको ट्रैप किया गया। सर, इसमें और कुछ नाम आए सामने? नहीं, ये दोनों लोग शामिल हैं इसमें, जो प्रिंसिपल हैं मौर्य और बड़ोले। अच्छा सर, इसमें ये मेरा प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश काग। कहाँ पर आप पदस्थ हैं? मैं शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में। अच्छा, ये जो लोकायुक्त की टीम का जो आज कार्रवाई हुई है, प्रिंसिपल को ट्रेस्ट किया है, तो क्या है सर पूरा मामला? क्या आप एक्चुअल में शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में जन भागीदारी समिति से एक अनुमोदन हुआ था, जिसमें सजावटी व बागवानी पौधे लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके तहत मुझे इन सब का संयोजक बनाया गया था। तो मैं बिलवा की एक नर्सरी है और एक करौली की नर्सरी है, वहाँ से प्लांटेशन लेके आया था, लेकिन विगत कई दिनों से उनका बिल नहीं हो रहा था। मैंने सर से कहा कि सर, ये पैसा देना आवश्यक है, लेकिन ये बोले कि नहीं, इसका आपको राशि देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर, ये पौधे जो हैं आवश्यक है, इनको देना और रियल में है, आप चाहे अन्य नर्सरियों से भी आप प्लांटेशन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपको राशि देनी पड़ेगी। तो संबंधित इनके जो सहायक हैं दिनेश बड़ोले, और दोनों ने दबाव बनाया और कहा कि आपको राशि देनी पड़ेगी। तो तत्पश्चात मैंने मना किया तो मुझे कई प्रकार से मानसिक प्रताड़नाएं, चाहे वो कई इस लेटर जो हैं दिए या फिर सबके सामने नीचा दिखाना, तो मैं परेशान हो गया था। तो मजबूरन फिर मुझे SP लोकायुक्त इंदौर को जा कर के आवेदन दिया कि संबंधित प्रिंसिपल और उनका जो बाबू है इस प्रकार से मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है। तो उन्होंने एक बंदे को भेजा, रिकॉर्डिंग हुआ और उसमें ट्रेस हुआ इनकी आवाज़ और ये सब चीज़ें, और राशि का उल्लेख भी हुआ। तत्पश्चात इनकी टीम जो है आज आई और मौके वारदात से जो है इनके बाबू ने जो पैसा मेरे से लिया था प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर, एक और ऑफिस है वहाँ पे, और तत्पश्चात टीम ने इनको रंगे हाथों इनको वहाँ से राशि के साथ अरेस्ट किया। सर, कितनी राशि देते हुए पकड़े गए? 5,000 रुपये।